टेस्टी टमाटो चाट बनाने के लिए मैंने लिए आधा किलो टमाटर, कुछ छोटी साइज़ के कुछ बड़ी साइज़ के, 250 ग्राम लिए हैं बॉयल आलू, 100 ग्राम पनीर। तो पहले हम टमाटर को काट लेते हैं, तो जो बड़े टमाटर है वो अलग करेंगे, छोटे टमाटर हम चाट में यूज़ करेंगे। तो जो छोटे टमाटर हैं उसका पहले ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हम काट लेंगे, उसके बाद टमाटर के बीज निकालेंगे छुरी से या चम्मच से, और टमाटर को हम पूरा खोखल करेंगे। तो लीजिए सारे टमाटर खोखल हो गए, और जो हमने बीज निकाले थे उसमें हम बड़े टमाटर काट के डालेंगे, और टमाटर को हम करेंगे चॉप्ड, हमें पीसने नहीं हैं चॉप्ड करने हैं। तो लीजिए टमाटर भी हमने चॉप्ड कर लिए। अब टमाटर की स्टफिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे आलू और उनको छील लेते हैं, जो हमने आलू बॉयल करके रखे थे। तो आलू भी हमने छील लिए। पहले आलू हम मैश कर लेते हैं। तो लीजिए आलू भी मैश हो गए। गैस पे रखें कढ़ाई, और टमाटर के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का, फ्लेम करेंगे लो टू मीडियम, और तेल जैसे ही गर्म होगा तो 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें साबित जीरा। साबित जीरा चटकने लगा है तो 3-4 कटी हुई हम हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमला की रसोई में। दोस्तों आज मैं आपके लिए आई हूँ टेस्टी टमाटो चाट। तो लीजिए हरे मिर्च भी हमने डाल लिए, 2 चम्मच लेंगे फ्रोज़न मटर के, वो भी डाल लेते हैं, अगर फ्रेश मटर हो तो वो डालें। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे तो आधे डालेंगे हम स्टफिंग में, और आधे रखेंगे ग्रेवी के लिए। तो स्टफिंग में हमने आधे आलू डाल लिए, स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं। नमक को आलू के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मैश करके पनीर। तो पनीर को भी मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ। थोड़े से डाल लेते हैं इसमें हरे धनिया, और फ्रेश पुदीना कटा हुआ वो भी डाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अब गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो लीजिए टमाटर की फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब इसमें कटे हुए 2 चम्मच हम प्याज के डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। प्याज को आलू के साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए स्टफिंग तैयार है। अब टमाटर में हम डाल लेते हैं। तो चम्मच से हम टमाटर में स्टफिंग डालते जाएंगे और दबाते हुए भरेंगे। हमें टमाटर में स्टफिंग अच्छे से भरनी है, चम्मच से दबाते हुए, हाथ से दबाते हुए, ताकि जब हम चाट खाएं तो बहुत ही हमें अच्छी लगे खाने में, और टमाटर खोखल ना लगे। तो लीजिए हाथों से दबाते हुए मैंने सारे टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टफिंग से भर लिए। गैस पर रखें कढ़ाई, फ्लेम रखेंगे फुल। पहले हम डालेंगे इसमें चॉप्ड टमाटर, स्वाद अनुसार नमक। अभी हमें तेल या कुछ नहीं डालना, सीधे टमाटर ही कढ़ाई में डालने हैं। तो नमक भी हमने डाल लिया। अब डालेंगे बचे हुए मैश आलू, एक टीस्पून डालेंगे हम शक्कर का, और टमाटर और शक्कर को मिक्स करेंगे। फिर जो स्टफ्ड टमाटर हमने करे थे उसका जो मिक्सचर बचा था वो भी साथ में मिला लेते हैं टमाटर के साथ, और 2 कप डालेंगे पानी के। ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट ग्रेवी को पकने देंगे, फ्लेम रखेंगे कम। तो कम फ्लेम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रेवी पक गई है। अब फ्लेम फुल करेंगे और हम टमाटर रखेंगे ग्रेवी में। टमाटर हमें कायदे से रखने हैं ताकि टमाटर ग्रेवी में गिरे ना। अगर टमाटर ग्रेवी में गिर जाएगा तो फिलिंग सारी निकल के और ग्रेवी में चली जाएगी, फिर टमाटर खोखल खोखल लगेगा और चाट अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें चम्मच से
या चिमटे से टमाटर को सीधा सीधा रखना है। ढक्कन लगाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो। फ्लेम करेंगे कम। तो एक कटोरी लेंगे मैदे की, बाउल में डालेंगे मैदा, चौथाई चम्मच अजवाइन, हथेलियों से रगड़ के डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं। तो एक कटोरी में हमने चौथाई कटोरी ली है तेल की, वो भी डालेंगे मैदे में। तो पहले हम अजवाइन और नमक को मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा तेल डाल के हम मोयन को मिक्स करेंगे। अब लेंगे चौथाई कटोरी पानी की, मोयन मिक्स हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो बनाएंगे नमक पारे का। तो लीजिए नमक पारे के डो भी बन गया। 10 मिनट का इसको हम रेस्ट देंगे, तो ढक कर रखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, डो भी सेट हो गया है, थोड़ा सा हम और मल लेते हैं। डो मलने के बाद पहले हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। तो लीजिए गोल गोल लोइयां मैंने बना ली, अब लोई को हम बेल लेते हैं। तो लोई को हम किनारे से बेलते हुए बड़ा करेंगे। तो लीजिए लोई भी बड़ी हो गई बेल के, अब इसको हम काटेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। नमक पारे का साइज छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने छोटी छोटी साइज में नमक पारे काटे हैं। तो सारे नमक पारे हमने काट लिए, अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई, तेल करेंगे गरम फुल फ्लेम पे। तो लीजिए तेल गरम हो गया है, अब नमक पारे डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल के हिसाब से हम नमक पारे डालेंगे। फुल फ्लेम पे हमने नमक पारे डाले हैं, फ्लेम करेंगे लो टू मीडियम और नमक पारे को चलाते हम फ्राई करेंगे। तो लीजिए नमक पारे भी ब्राउन होने हो गए हैं, थोड़े से हम और ब्राउन करेंगे फिर निकालेंगे। तो लीजिए नमक पारे भी ब्राउन हो गए, निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम अब हम बंद कर लेते हैं क्योंकि सारे नमक पारे हमने फ्राई कर लिए। तो चलिए टमाटर को भी देख लेते हैं। तो छुरी की नोक से थोड़ा टमाटर को दबाएंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो हम थोड़ा और ड्राई करेंगे। तो लीजिए ग्रेवी थोड़ी कम हो गई, गैस की फ्लेम बंद करके टमाटर को सर्व कर लेते हैं। तो सारे टमाटर हमने सर्व कर लिए और जो ग्रेवी है वो भी हम टमाटर के ऊपर डालेंगे। अब टमाटर की चाट को बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट स्वाद देने के लिए गैस पे रखेंगे फ्राई पैन, डालेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के और ऑयल में डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग और गैस की फ्लेम बंद करेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का डाल के और तड़का लगाएंगे टमाटो चाट के ऊपर। तो लीजिए तड़का भी लग गया, इससे टमाटो चाट का स्वाद भी बहुत ही बढ़ जाएगा। ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच देसी घी का। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप देसी घी स्किप कर दें। तो लीजिए 1 चम्मच देसी घी का भी डाल दिया। तो लीजिए तैयार है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है लाल लाल टमाटर की चाट। गार्निश करेंगे हरे धनिया से। और टमाटो चाट सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे नमक पारे जो हमने स्पेशली इसके लिए बनाए हैं, क्योंकि इसी टमाटर चाट का स्वाद नमक पारे से है। तो जब भी आप टमाटर की चाट बनाएं नमक पारे ज़रूर डालें। तो लीजिए तैयार है बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी टमाटो चाट। तो चलिए खाते हैं टमाटो चाट को। तो एक टमाटर की चाट में डालती हूँ बाउल में और काट के दिखाती हूँ कितना भरा हुआ टमाटर है और स्वादिष्ट टमाटो चाट। देखिए कितना टमाटर भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।